भाई, दूध और पानी के एक मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब दूध और पानी का कुछ मिश्रण था पहले से, मिल्क एंड वाटर का, लेकिन जब इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया गया, 14 लीटर पानी मिलाया गया, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3:5 हो गया। फिर कह रहा है कि 8 लीटर दूध मिलाने पर, 8 लीटर इस बार दूध मिला दिया गया, तो कह रहा है 8 लीटर दूध मिलाने पर पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 40% अधिक हो जाती है। ध्यान देना, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से अधिक है। दूध को 100 माने तो पानी 140 होना चाहिए, मतलब रेशियो कितना आएगा? 5:7। भाई पानी की मात्रा दूध से ज्यादा है तो 5:7, अगर दूध 100 माने तो पानी 40% ज्यादा है, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है? 5:7। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात, ये वाला रेशियो आपको बताना है कितना रहा हो। कोई खास बात नहीं है, आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो। इसमें देखो दूध बढ़ाया गया है तो पानी तो उतना ही रहना चाहिए, ये 5 और 7 अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करें, इसे 7 से गुणा कर देते हैं, इसे 5 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करने पे रेशियो आएगा 21:35 और 25:35। यहाँ पे देखो ये 21 से बढ़ के 25 हो गया, मतलब 4:1 बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें 8 लीटर दूध मिलाया गया, मतलब 4:1 की वैल्यू कितनी है? 8 लीटर। तो 1:1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 लीटर। तो इस 21:1 की वैल्यू होगी 42 लीटर और 35:1 की वैल्यू होगी 70 लीटर। भाई 1 बराबर 2 के, तो 21 मतलब 21 का मतलब 42 और 35 का मतलब 70। और देखो कह रहा है कि दूध 14 लीटर मिलाया गया था तब ये 35 हुआ है, तो अगर इसको पीछे ले जाएं, इसमें से 14 लीटर दूध घटा दें, सॉरी पानी घटा दें, 14 लीटर पानी घटाएंगे तो ये कितना रह जाएगा? 21। और यहाँ पे इसको ये है ही 42, ये तो उतना ही रहेगा। देखो भाई इसमें 14 लीटर डाला गया था तो हम इसमें से 14 कम कर देंगे, हमें इसकी मात्रा मिलेगी, और ये कितना है? 42, तो ये 42 रहेगा। ये 21 लीटर, ये 42 लीटर, मतलब दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा ना। कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है, क्योंकि आप सबका 3:4 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुई? 7×5=35, 2×2=70, ये मैंने घटाया गलत है, ये 70 में से 14 घटाना था। 70 में से 14 घटाएंगे 56 आएगा, और पानी कितना है? दूध कितना है? 42। इसे 14 से काटेंगे, 14×3=42, 14×3=42, 14×4=56, सही है ना? 3:4 का रेशियो आएगा, सही। मैं वो रेशियो में से घटा दिया, 35 में से। कोई बात नहीं, आप सबका आंसर सही है, बहुत लोगों ने आंसर किया, बढ़िया। विपेंद्र, दीपक, उत्तम, तुषार, ललित, कृति, रेडमी, अनूप, आयुष मिश्रा, सुमन, अभिजीत, वर्तिका, उत्तम, सुधांशु, बढ़िया। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हटा दें इसे, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 5:6 था। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 5:6 था, तो लिखते चलते हैं साथ की साथ, 5:6 था। एक्स लीटर दूध मिला दिया, अब हमें पता नहीं दूध कितना मिलाया, कह रहा है एक्स लीटर मिला दिया, तो दूध का पानी से अनुपात 1:1 हो गया। इस मिश्रण में वाई लीटर पानी निकाल दिया गया, इसमें से वाई लीटर पानी घटा दिया गया, तो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 12:11 हो गया, 12:11 हो गया। फिर कह रहा है अब इस मिश्रण में 21 लीटर दूध डाल दिया गया, इसमें 21 लीटर दूध डाल दिया गया, और दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो गया, यही तो। तो x² - y² का मान बताएं, पहले हमें x और y निकालना पड़ेगा।
कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। देखो यहाँ पे दूध मिला है तो पानी का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। पानी का रेशियो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे दूध और पानी दिख रहा है कितना, 5:4, और यहाँ 12:11, तो ये 11 और 4 बराबर होना चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करते हम, इसे 4 से और इसे 11 से मल्टीप्लाई करते। ऐसा करने पे रेशियो आता 48:44 और 55:44। देखो ये 48 से 55 हो गया तो 7 रेशियो बढ़ गया, और 7 की वैल्यू कितनी है, 21 लीटर। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 लीटर। तो ये जो 48 रेशियो दिख रहा है, इसका मतलब होगा 48 दिया 144 लीटर, और ये जो 44 दिख रहा है, इसका मतलब होगा 44 दिया 132 लीटर। यही तो मतलब है। और कह रहा है अभी देखो यहाँ पे ये वाला है 144, ये है कितना, 132 लीटर। लेकिन पानी कुछ निकाला गया था, लेकिन दूध तो उतना ही रहना चाहिए, तो दूध यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 144 लीटर। ये जो एक है ये भी 144 ही होगा, क्योंकि ये 12 144 है, क्योंकि दूध में कोई कमी बढ़ोतरी सेकंड स्टेप में नहीं है। अगर ये 144 है तो ये भी 144 ही होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना है, एक एक, और ये घट के कितना रह गया, 132। इस 11 की वैल्यू देखो इधर कितनी है, ये 132। तो 144 से घट के 132 रह गया, मतलब ये जो वाई दे रखा था इसकी वैल्यू 12 रही होनी चाहिए। 144 से 132 रह गया 12। फिर आ जाओ बात पे कि ये 144 है और यहाँ पे देखो पानी नहीं मिलाया गया ना घटाया गया, तो अगर ये 144 है एक की वैल्यू, तो इस 6 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 144। और अगर 6 की वैल्यू 144 है तो इस 5 की वैल्यू निकाली जा सकती है, 6 की वैल्यू 144, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 24 से कटेगा, 24 पंजे 120। मतलब दूध की मात्रा शुरू में 120 थी। देखो 120 से बढ़ के ये 44 हुई थी, 120 से बढ़ के कितनी हुई थी, 44। इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए, 24। 120 में 24 जोड़ेंगे, 144 होगा। हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो x का मान है 24 और y का मान है 12। सॉल्व कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे 24 12 36, एक बार घटा देंगे 24 x 36 x 12। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर करके घटा दो, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 12 6 72, 12 3 36 और 7 43, 432। आंसर होगा डी। समझ रहे हैं अभी बात को, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ये, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो आपा नहीं खोना है, आपे में रहना है, ठीक है ना। फिर से बता दीजिए, फिर से देख लें भी, बिल्कुल फिर से देख लें, कोई समस्या नहीं। कह रहा है दूध और एक पानी के मिश्रण में, कोई नया सवाल नहीं, जो पिछले 6 7 सवाल हमने आज किए हैं वो सब इसी पर बेस्ड है, बस इसमें स्टेप बढ़ा दिए। कह रहा है शुरू में दूध और पानी का अनुपात 5:6 था, 5:6। फिर इसमें एक्स लीटर दूध मिला दिया गया और पानी और दूध का अनुपात 1+1 हो गया, मिला दिया गया। फिर कह रहा है इसमें से वाई लीटर पानी घटा दिया गया, तो वाई पानी घटा देते हैं, ये पानी है ये दूध है, पानी घटा देने पे इनका अनुपात 12:11 हो गया। फिर कह रहा है अब इसमें 21 लीटर दूध फिर मिला दिया गया, अब इसमें 21 लीटर दूध मिला दिया गया, और ऐसा करने पे अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स और वाई ये रहे, इनकी वैल्यू में फाइंड कर। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है कि आप इन्हें नहीं निकाल सकते। जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे दूध मिलाया गया, सिर्फ नीचे वाली ये 4 वैल्यू देखो, ऊपर वालों को छोड़ दो, कि दूध यहाँ मिलाया गया तो दूध की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन पानी तो समान रहना चाहिए जो अभी तक कर रहे थे हम। तो इस पानी को समान करने के लिए हम इसको 4 से और इसे 11 से गुणा करते हैं। ऐसा करने पे रेशियो क्या आएगा, 48:44 और ये 55, ये 44। और ये देखो अब सही है, क्योंकि इस वाले स्टेप में पानी नहीं मिलाया गया था तो पानी सेम रहना चाहिए, लेकिन दूध बढ़ गया 7 रेशो, और इस 7 की वैल्यू दे रखी है, 21 लीटर दूध मिलाया गया। देखो यहाँ से यहाँ कितने रेशो बढ़ गया, 7,
सात की वैल्यू 21 है तो एक की वैल्यू 3 आएगी, एक की वैल्यू 3 है तो इस 48 का मतलब है 144 लीटर, और 44 का मतलब है 132 लीटर। बताओ कोई समस्या है? 44, 144, 132। सुष्मिता आ रहा है समझ में अभी? कमेंट करके बताओ भी। ठीक, अब देखो इस 12 की वैल्यू हमें पता है 144 लीटर दूध था, और इस 11 की वैल्यू भी हमें पता है 132 लीटर पानी था। यहां से देखो हमने निकाल लिया, ये है तो इसी की वैल्यू, लेकिन यहां पे देखो पानी घटाया गया था लेकिन दूध तो उतना ही रहना चाहिए। अगर ये 144 है अभी दूध, तो पहले इसकी वैल्यू भी 144 ही रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रमन आपकी वीडियो चल रही है अभी, उसे बंद कर दें। तो एक की वैल्यू 144 है तो इस एक की वैल्यू भी 144 होगी, क्योंकि दोनों सेम ही रेशियो में, एक एक का अनुपात है। और देखो ये पहले पानी 144 था, अब 132 रह गया, इसका मतलब कितना घटाया गया? 12 लीटर। मतलब y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 लीटर। यही बात है। उसके बाद ध्यान से देखो कि ये जो पहला स्टेप था इसमें दूध जो है मिलाया गया था, तो दूध बढ़ना चाहिए, पानी उतना ही रहना चाहिए। तो ये जो 144 वैल्यू एक की है, यही वैल्यू 6 की भी होनी चाहिए, क्योंकि पानी में तो कोई कमी बढ़ोतरी हुई नहीं है, पानी अभी भी 142 144 ही होना चाहिए। और देखो अगर इस 6 की वैल्यू 144 है तो इस 5 की वैल्यू निकाली जा सकती है। 6 की वैल्यू 144, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 से इसे काट दो, 24 पंजे 120। तो मतलब शुरू में दूध कितना था? 120 लीटर। देखो ये 120 लीटर था, इसमें x लीटर दूध मिलाया गया था, तो ये 144 हो गया था। मतलब दूध कितना बढ़ा था? 24 लीटर। तो x का मान आ गया 24, y का मान आ गया 12, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकाल दो, कितना आएगा? 432। भाई चले आगे। सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है। विपेंद्र का आंसर आ गया 52 है, ऑप्शन में 52। देखें भाई ध्यान से, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 6:5। दूध और पानी लिख लेते हैं, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6:5। इसमें x लीटर दूध मिला दिया जाता है और दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, सही है। इसमें से y लीटर पानी निकाल दिया जाता है और पानी का अनुपात, दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाने, 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है, 4 लीटर पानी निकालने, 4 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है, सही है ना। इसमें 2 लीटर जोड़ा गया है और इसमें से 4 लीटर घटाया गया। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हमें फिर से जरूरत पड़ेगी वही मेथड जो हमने रेशियो में सीखा था। भाई कई क्वेश्चन कराए थे, 10-12 क्वेश्चन कराए थे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। तो ध्यान से देखो भाई, ये 2 से 3 हुआ था तो इसमें 2 लीटर पानी जोड़ा गया था, और ये 1 से 1 रह गया क्योंकि इसमें 1 4 लीटर पानी घटाया गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही लगाते थे जहां एक वैल्यू बढ़े एक घटे, दोनों बढ़े या दोनों घटे, अलग अलग। तो यहाँ पे देखो हम इस 2 और 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 एकम 2, 3 एकम 3, दोनों का अंतर कितना? 3 - 2 = 1। और देखो 2 एकम 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। एक प्लस में एक माइनस में होता था तो दोनों जुड़ते थे, दोनों प्लस में होता था घटते थे, दोनों माइनस में होता था तब भी घटते थे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 12, 2 एकम 2 14। और अगर इस एक की वैल्यू 14 है तो इस 2 की वैल्यू कितनी रही होगी भाई? 28। और इस एक की वैल्यू कितनी रही होगी भाई? 14। हमें यहाँ पे पता लग गया दूध पानी कितना था, दूध था 28 और पानी था 14। अब यहाँ पे देखो अगर 28, भाई पेन नहीं चलाओ, ये कौन है, कोई नया है, आप स्क्रीन को टच नहीं करो बिल्कुल भी। इसका मतलब देखो यहाँ पे दूध तो मिलाया नहीं गया था, मतलब ये 7 रेशो की वैल्यू भी ये 28 ही होनी चाहिए। तो 7 चौक 28, तो 5 चौक 20। ध्यान से देखो, अगर ये 7 की वैल्यू 28 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 20।
अब देखो ये 20 से घट के 14 रह गया, मतलब 6 की कमी आ गई, y की वैल्यू हमें मिल गई कितना था 6, 20 से 14 रह गया। अभी ध्यान से देखो अगर हम ऊपर बढ़े तो 5 और 5 सेम ही, क्योंकि पानी में कोई बढ़ोतरी नहीं की, तो पानी अभी भी कितना है 20 ही लीटर है। अगर पानी 20 है तो दूध कितना रहा होगा भाई, 5 की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू 24 ही तो आएगी, ऐसे करके निकाल लो, 5 की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 24। अब देखो दूध 24 से 28 हो गया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4 लीटर होनी चाहिए, भी 4 लीटर पानी डाला गया, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 4, वाई की वैल्यू मिल गई 6। तो अगर हम इसे जोड़ दें, पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 16 बाप 52 लीटर, 52 वैल्यू रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विपेंद्र बहुत पहले आपने आंसर कर दिया था भाई 52। कृति 52, कृति सही है आपका उत्तर। उत्तम, दीपक, अनुभव, अभिजीत, रश्मि, वर्तिका, ललित, फिर से बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि पूरा क्वेश्चन ना आया हो। लास्ट में जो मैंने चेंज किया है वो इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आपने रेशियो नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा होगा तो आपको आया होगा, नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले उसकी शीट्स डाउनलोड करो, जहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है वो वाला वीडियो देखो, कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जो मैंने वहां पे 12 क्वेश्चन में और करीब 1.5 घंटे में बताया वो मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट में नहीं बता सकता, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी समझदारी वाली बात है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ नहीं आया, और अगर ये लास्ट वाला स्टेप आपको समझ नहीं आया इसका मतलब अभी आपका रेशियो कच्चा है, इसीलिए पहले रेशियो कराया। हाँ बताओ भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या समझ नहीं आया? रूप, सर जो हाँ सेकंड स्टेप में जो सर ये रेशियो से आपने वैल्यूज निकाली हैं वो समझ में नहीं आई, सेकंड स्किप हो गई स्टेप जरा सी। यहां पे बिल्कुल लास्ट वाले में, इसमें 2131 वाले में या 75 में? ना 2131 2131 वाले में। तो आपने भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ा, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि आप सर लोगों ने पढ़ रेशियो चुके हैं, पढ़ा है उससे आता है। अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखो मैं बताता हूं कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपसे ये कहता, इसको छोड़ देते हैं, एक नई बात करते हैं, कि अगर मैं आपसे कहता कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 था, और उसमें 2 लीटर दूध मिला दिया गया, 4 लीटर पानी कम कर दिया गया, तो इनका अनुपात 3:1 हो गया। तो देखो 2:1 से 3:1 हो गया, क्यों? क्योंकि दूध 2 लीटर बढ़ाया गया और पानी 4 लीटर घटाया गया, इन दोनों का अंतर -4 है, इन दोनों का अंतर 2 है। बताओ ऐसे हमने 12 14 क्वेश्चन किए, तो ये वैल्यू आ रही है। भाई आ रहा है 2 एकम 2 3 एकम 3, 3 और 2 का अंतर कितना 1, और यहाँ देखो 2 एकम 2 3 चौक 12, 12 2 कितना 14, क्योंकि 1 माइनस में 1 प्लस में, तो 1 की वैल्यू 14। और मैंने बताया था यहां से हम जो रेशियो निकालते हैं वो इसी की वैल्यू होती है पहले वाले, तो 1 की वैल्यू अगर 14 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 28। अब बताओ अभी आया आ गया। कौन सा स्टेप? अभी भी नहीं आ रहा है, बताओ। इससे वाई की वैल्यू निकल जाएगी और फिर एक्स की भी। हाँ, इससे इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी 2 और 1 की, लेकिन 3 और 1 की नहीं निकलेगी। जब मैंने आपसे बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप कर रहे हैं इससे डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, इससे इस वाले स्टेप में इस 2 और 1 की वैल्यू आएगी, सिर्फ 2 और 1, क्योंकि ये हमने पूरा पढ़ा है पहले। ओके सर, ठीक है ना? तो इसको आपको, अगर इसमें आप कच्चे रह रहे हो तो वो सिर्फ इसलिए कि आपको फिर से जाके रेशियो में जाना पड़ेगा, वही क्वेश्चन, आदमी थे औरतें थी, इतने आदमी मर गए, इतनी औरतें आ गई या घट गई या मर गई, फिर वो इस रेशियो में बचे। आप फिर से वही वाला क्वेश्चन देखोगे कि युद्ध में ऑफिसर थे, सैनिक थे,
तो इतने ऑफिसर शहीद हुए, इतने सैनिक शहीद हुए, इतने और ऑफिसर भर्ती कर लिए गए, तो रेशियो क्या है? ठीक है ना, तो वो वाले क्वेश्चन दोबारा से आप जाके करो, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोबारा आके इसे करना, फिर आसानी से हो जाए। जिन लोगों ने रेशियो नहीं पढ़ा है वो लोग भूल जाए, वो इसे ऐसे नहीं कर पाए। ठीक है ना, पहले रेशियो पढ़ लो, फिर आते हैं इस पे बाद में दोबारा। क्या कह रहे हैं, 26 का आंसर नहीं आ रहा, 27 का, 16 आ रहा है भैया, बट ऑप्शन नहीं है। अच्छा देख लेंगे उसे भी, पहले इसे देख लो। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, दूध और पानी के एक मिश्रण में 4 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, इस बार मात्रा दे रखी है। 4 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। कह रहे हैं मिश्रण में से 25% मिश्रण बहा दिया गया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा अगर मिश्रण का बहा दोगे तो दूध भी चौथा हिस्सा बह जाएगा, पानी भी चौथा हिस्सा बहेगा। भाई मिश्रण बहाओगे तो उसमें दूध भी बराबर ही होगा और पानी भी उतना ही उतना बढ़ेगा। तो इसमें से 1/4 बहा दिया गया तो दूध कितना बचा, 3। भाई इसका 1/4 कितना होता है, 1। इसका 1/4 बहा दिया गया मतलब 15, 5, तो ये कितना बचा, 15। मतलब 25% मिश्रण बहा देने के बाद दूध 3 बचा और पानी 15। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? भाई अगर आप मिश्रण बहाएंगे तो उसमें दूध भी उसी रेशियो में बहेगा, पानी भी उसी रेशियो में बहेगा। अगर 25% मिश्रण बहाए तो चौथा हिस्सा जो है आपका दूध बह गया और चौथा हिस्सा ही पानी बह गया। मतलब अभी मिश्रण में 3 और 15 के रेशियो में दूध और पानी बचा है। फिर कह रहा है बचे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात को पलटने के लिए इसमें दूध मिलाया। अनुपात पलटना है, जरा यहाँ पे देखो कि अनुपात कितना है, 3 और 15 का अनुपात है 1 और 5, 1 और 5। और ये कह रहा है इसमें दूध मिलाया गया मतलब पानी उतना ही रहेगा, पानी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, दूध मिलाएगा। अगर पानी उतना ही रहेगा तो जरा ध्यान से देखो कि अब ये कह रहा है अनुपात पलटना चाहता है। दूध और पानी का अनुपात 1:5 था, अब ये कितना करना चाहता है, 5 और 1, दूध और पानी का अनुपात। इसमें देखो इस 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। समझ रहे हैं ना, 75। अब 75 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी, क्योंकि अनुपात पलटना है, ये इसका 5 गुना था, ये इसका 5 गुना। दूध मिलाया गया है तो पानी उतना ही रहेगा, 15 से 15 ही। फिर कह रहा है अब दूध और पानी का अनुपात 5:2 करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा। ठीक है ना, 5:2 के अनुपात में दूध और पानी, अब सिर्फ पानी मिलाना है, इसे मिला रहा है लेकिन कह रहा है अनुपात कितना हो जाए, 5 और 2। तो देखो इस 5 की वैल्यू हमें पता है 75, क्योंकि 5, दूध तो मिलाया नहीं है, उतना ही रहेगा। तो 5 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो ये 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। भाई अगर ये 5 की वैल्यू 75 है तो 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं गया, पानी मिलाया गया। तो पानी देखो 15 से बढ़ के 30 हो गया, तो कितने लीटर पानी मिलाया गया, 15 लीटर पानी मिलाया गया। विकास आपने हाथ उठाया है, गलती से उठाया या आपने जानबूझ के उठाया, विकास? देखो जो भी डाउट है आप बोल के पूछ सकते हो मुझसे, आपने लोअर कर लिया भाई, पलटने का समझ में नहीं आया। देखो पलटने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो रेशियो 1:3 है, इससे पहले देखो एक क्वेश्चन आया था औरतों और आदमियों वाला, पार्टी वाला, कि आदमी और औरतों का अनुपात पलट गया, इसका मतलब क्या था, 1:3 था तो अनुपात अब 3:1 हो गया। पलटने का मतलब है जो वैल्यू इधर थी वो इधर चली गई, जो इधर थी वो इधर आ गई। और क्योंकि इसमें ध्यान से देखो कि इसमें जो पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो पानी तो 15 का 15 ही रहेगा लेकिन रेशियो पलट जाएगा। ये अभी 1 और 5 के रेशियो में थे, अब ये 5:1 के रेशियो में होने चाहिए, जिसमें 1 की वैल्यू हमें पता है 15, तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75। बताओ आकाश, आया भाई? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। इसमें कह रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा है ना, 27 का नहीं आ रहा आंसर,
का 16 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं। अच्छा देख लेते हैं। एक बर्तन में एसिड और पानी का अनुपात 9:1 है। इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया गया है, ये एसिड है ये वाटर है, इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, यदि घोल की शुरुआती मात्रा 52 लीटर हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो कोई बहुत मुश्किल कहानी नहीं है। देखो घोल शुरू में कितना था, 52 लीटर, और इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया गया तो अभी टोटल घोल कितना हो गया, 60 लीटर। भाई 52 लीटर घोल था, अगर 8 लीटर पानी मिलाएंगे तो घोल पूरा कितना हो जाएगा, पूरा मिक्सचर कितना हो जाएगा, 60। तो 52 से ये कितना हो गया, 60। और 60 को 3:2 के रेशियो में बांटा जा सकता है। 3:2 कितना, 5, 5 से इसे काट दो 12, तो ये हो जाएगा 12 × 36 लीटर एसिड और 12 × 24 लीटर पानी। बताओ कोई समस्या तो नहीं। 3:2 के रेशियो में हमने 60 लीटर को बांट दिया, 36 लीटर एसिड 24 लीटर पानी। अब देखो एसिड पहले भी 36 ही लीटर रहा होगा, क्योंकि एसिड की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो एसिड डाला है ना निकाला है, तो 9 की वैल्यू कितनी थी, 36। तो 9 की वैल्यू 36 थी, और पानी देखो पहले कितना था, 24। 24 ये तब था जब इसमें 8 लीटर मिलाया गया था, तो इसका मतलब पहले ये कितना रहा होगा, 16 लीटर। पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो, तो देखो भाई 36 लीटर दो एसिड था, 16 लीटर पानी था, अगर इनका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, 9:4, तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 आंसर। आपसे मात्रा नहीं पूछ रहा था, वो रेशियो पूछ रहा था, तो आपने सबने 16 निकाल दिया। दीपक आपने हाथ उठाया, सुधांशु आपने हाथ उठाया है, नीचे भी कर लिया है, कई लोगों का आंसर सही भी आया है, ज्यादातर लोगों ने 16 आंसर कर दिया। देखो उसने मात्रा नहीं पूछेगी, भाई आपको कैसे पता चलेगा कि रेशियो पूछा है, बिल्कुल पता लगेगा। देखो यहाँ पे 9 के साथ एक्स है, और आप यहाँ पे 9 के साथ एक्स रखोगे ना, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 36। 9 की वैल्यू कितनी है, आप बताओ कि आपका एसिड वाटर का रेशियो क्या आएगा। भाई उसने एक्स का मान पूछा है, और यहाँ पे एक्स देखो रेशियो है, मात्रा नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे x कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है कि x लीटर नहीं, x रेशियो है 9 और x। अगर यहाँ पे आप लिखते तो 9:16 तो नहीं लिख देते ना, क्योंकि देखो एसिड 36 है और वाटर 16 है, तो आपको इसे काटोगे तो कितना आएगा, 9 और 4। तो 9 के साथ वाली वैल्यू पूछिए, 36 के साथ वाली थोड़ी पूछिए। अगर 36 दिया होता तो फिर आप 16 लगा देते आंसर। समझ गए ना अभी बात को, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखें 28। एक बर्तन में एसिड और जल का घोल 56 लीटर है, और एसिड और जल का अनुपात 3:5 है, तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोनों की अलग अलग मात्रा। इसमें 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, और 8 लीटर पानी और 6 लीटर एसिड मिला दिया जाता है। अब नए मिश्रण में एसिड और जल का अनुपात क्या होगा, आसान बात है। देखो इस 56 लीटर को 3:5 के रेशियो में तोड़ दो, एसिड और वाटर 5 × 3 = 8, 8 × 7 = 56, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35। भाई इसे ऐसे तोड़ने में आपको कुछ लिखना तो नहीं पड़ता, समझ रहे ना भाई, 5 × 3 = 8, 8 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू 7, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, ये रेशियो में पड़ा था। 21 लीटर एसिड था, 35 लीटर वाटर था, दोनों मिला के कितने थे, 56। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। अब ध्यान देना, ये जो 16 लीटर मिश्रण निकाला है इसमें एसिड भी होगा और पानी भी होगा, और अगर इसे भी 3:5 के रेशियो में बांटे, क्योंकि किस रेशियो में होगा भाई, अगर मान लो आप ड्रम में से एक जग भरोगे तो जग में भी वही होगा रेशियो एसिड का वाटर से जो पूरे ड्रम में, तो
इसलिए 16 को 3-5 के रेशियो में बांटेंगे, 3-5 8, 8 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 10। भाई 16 को भी 3-5 के रेशियो में बांट लो तो 6 लीटर एसिड कम हो गया और 10 लीटर वाटर कम हो गया। फिर कह रहा है इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 8 लीटर पानी मिला दो, 6 लीटर एसिड मिला दिया जाता है, तो 6 लीटर एसिड मिला दो, ठीक है ना, 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, एसिड और जल का रेशियो 3-5। देखो ये तो 6 जैसा निकला वैसा मिल गया, 21 ही आएगा, और इसमें देखो 10 घटाया तो 25 बचा, फिर 8 जोड़ दिया तो 33 हो गया। इसे काट लो रेशियो कितना आ जाएगा, 7 3 21, 3 से काटा है तो 7 और 11, आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया दीपक पाल, मुकेश कुमार, मुकेश कहाँ थे भी आज, पहला आंसर दिया है आपने। अनुभव, कृति, सत्य प्रकाश, उत्तम, प्रज्ञा, आयुष, रूप। दीपक आपने फिर से हाथ उठाया, आप ये बार बार कर रहे हो, पूछते कुछ भी नहीं हो, तो थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल रखें। सत्य प्रकाश, उत्तम, प्रज्ञा, आयुष, रूप, तुषार, ललित, सुधांशु, वर्तिका, दीपक, समझ रहे हैं ना, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा इधर उधर किए ही मत करें, करना क्या है, देखते रहो समझते रहो, जब जरूरत पड़े तभी छुओ, ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। क्विज देखो भाई, अभी मैंने बताया नहीं है, 3 बजे इंग्लिश की क्लास लेने के बाद बनाऊंगा और आपको कल के टाइम तक आराम से मिल जाएगा, 5-6 बजे। सर ये जो मिक्सचर निकाला वो समझ नहीं आया। आकाश मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि कहां पे कौन सी बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। आप खुद को भी अनम्यूट करो उधर से। आकाश सर ये जो 16 लीटर का मिक्सचर निकाला है 3:5 में, ये समझ में नहीं आया। देखो भाई अगर मान लो आप एक बाल्टी में पानी है, ठीक है ना, एक बाल्टी में दूध है, मान लो दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी, तो अगर मैं कहूँ कि इस बाल्टी में से 1 गिलास पानी भर के निकाल लो, एक गिलास पानी, तो बताओ 1 गिलास पानी निकाल सकते हो आप इसमें से? नहीं। जब आप ग्लास भरोगे तो उसमें दूध और पानी दोनों होगा ना ग्लास में भी? जी सर। भाई अगर बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण है तो आप अगर ग्लास भरोगे तो ग्लास में भी क्या होगा, दूध और पानी का मिश्रण होगा, और उस ग्लास में दूध पानी का अनुपात कितना होगा, 2:1 ही तो होगा भाई, जो रेशो बाल्टी में होगा वही रेशो आपके ग्लास में भी होगा, अनुपात उतना ही होगा ना दोनों का। आकाश जी सर समझ रहे, समझे हो? तो जब आप 16 लीटर एसिड वाटर का रेशियो निकाल रहे हो तो उसमें दूध कितना होगा पानी कितना होगा क्या नहीं निकाल सकते हैं? जब हमें पता है कि इसमें रेशियो कितना है दूध और सॉरी एसिड वाटर का, 3:5। आकाश जी सर समझ गए? जी सर बस, और तो कुछ नहीं पूछना है? नहीं सर। ठीक भाई, बाकी बात करते हैं कल, मिलते हैं क्लास में, क्विज आपको मिल जाएगा 5 बजे तक मेरे ख्याल से, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।